शिव मंडल जूनियर कॉलेज बनियादपुर लोहरदगा वाराणसी में मैं भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता रामनगर भारद्वाज जी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 12 के सभी छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आज भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय 2 गास की प्रमेय अथवा गास के नियम अध्याय 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि हम आप जानते हैं क्षेत्रफल अदिश राशि होता है, क्षेत्रफल अदिश है, लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इसे हम सदिश राशि से बदल सकते हैं। तो जब सदिश राशि है आप जानते हैं कि जो राशियां परिमाण के साथ साथ दिशा को निरूपित करती हैं उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। तो हमारा जब वायु क्षेत्र में हम क्षेत्रफल को सदिश राशि से सदिश राशि मानकर के गणना करते हैं तो हमें जानेंगे ये क्षेत्रफल है सदिश है वायु क्षेत्र में तब क्या होगा। रेडी है आपका क्षेत्रफल सदिश किसी भी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ये है किसी भी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ये में परमाणु के साथ साथ दिशा भी होती है। कोई भी क्षेत्रफल कोई भी समतलीय क्षेत्रफल है जैसे मान लो ये है जो क्षेत्रफल ये है तो निश्चित है जैसे एक में परमाणु के साथ साथ दिशा भी होती है क्षेत्रफल की दिशा जो होती है। अब वो क्या होगा जैसे कोई भी समतल होगा तो उस पर जो बाहर की ओर लंब खींचा जाता है या विलंब खींचा जाता है उसकी दिशा में होता है। जैसे आप एक ब्लैक बोर्ड देख रहे हो ब्लैक बोर्ड अगर एक क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल जैसे मान लें पूरा परमाणु ये है तो इसकी जो दिशा होगी इस पर बाहर की ओर खींचा गया जो विलंब होगा वह अब एक पर है जैसे नीचे की इसकी जो दिशा होगी इस पर खींचा गया बाहर की ओर विलंब होगा ऊपर का होगा तो बाहर करेंगे अर्थात नीचे की ओर दिशा होगी। तो इस तरह से क्षेत्रफल को बाहर की ओर खींचे गए विलंब के अनुदेश हम वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं। अब हमें मान लें कि किसी भी जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी ये जो क्षेत्रफल है जिस पर जो बाहर की ओर खींचा गया उसके दिशा में हम वेक्टर ए के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल को इस पर यानी पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए विलंब के अनुदेश से निरूपित कर सकते हैं जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाणीय को व्यक्त करती है। इस प्रकार किसी पृष्ठ से संबंध क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर ए इनटू एन कैप। यह एन कैप क्या है कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हो जहां पर यह एन कैप पृष्ठ पर बाहर की ओर जो खींचा गया विलंब होता है उसकी दिशा में एकांक सदिश है। यानी अगर ये पृष्ठ आपका वेक्टर ए है तो इसकी जो दिशा होगी इस पर जो लंब खींचा जाता है जो बाहर की ओर खींचा गया उसके दिशा में वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं। और यंग कर्व है क्या यंग कर्व यही आप देख रहे हो क्षेत्रफल परिमाण है तो इसके बाहर की ओर खींचा गया जो लंब है उसी के दिशा में एकांश। क्लियर। अब इसके बाद आप देख रहे हैं समतली कोण। समतली कोण क्या होता है किसी भी वृत्त में कहां बाबू वृत्त में किसी भी वृत्त में उसके चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं समतली कोण कहते हैं। यदि किसी वृत्त में उसके चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं और समतली कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। लिखा भी है किसी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतली कोण कहते हैं इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन होता है। यानी समतली कोण बराबर चाप की लंबाई क्योंकि आप जानते हो कोण बराबर चाप
बटी त्रिज्या होता है, तब समतली कोण थीटा बराबर अगर चाप की लंबाई l हो और वृत्त की त्रिज्या r हो तो चाप की लंबाई l और वृत्त की त्रिज्या r, यही रेशियो होता है। आप देख रहे हो लंबाई है तो भी अगर हम उसका मात्रक लिखेंगे मीटर, त्रिज्या है तो मीटर से भी कट जाएगा। यदि यही कोण और घन कोण ऐसे दो है जो विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती है, मात्रक तो होता है रेडियन लेकिन इसकी कोई विमाहीन मतलब कोई विमा नहीं होती, यदि कोण और घन कोण विमाहीन राशियां होती है, विमाहीन आती है, इसकी विमा तो नहीं होगी, मात्रक लेकिन बीमा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के मात्रक वाले भौतिक राशियों का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन यहाँ मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सी दो राशियां हैं जिनका को जिनका मान तो होता है, मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता। जैसे और भी देखे होंगे आप, पायसन अनुपात देखेंगे या आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, विकृति पढ़े होंगे, वह भी विकृति है, विमाहीन भी है और कोई मात्रक भी नहीं है। साथ ही साथ अपेक्षित घनत्व पढ़े होंगे, अपेक्षित घनत्व का मतलब होता है किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व होता है दोनों के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। तो अपेक्षित घनत्व में भी एक ही भौतिक राशि घनत्व के मात्रक का अनुपात हुआ तो कोई मात्रक नहीं, न तो मात्रक न तो विमा, लेकिन कोण और घन कोण ऐसे दो, कोण और घन कोण ये दो ऐसे हैं, मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती, लेकिन और में क्या होता है, न तो मात्रक होता है न तो विमा होता है, एक ही प्रकार की भौतिक राशियों का अनुपात है, इसीलिए इसको कहते हैं पूरक। अब आइए इसके बाद समतली कोण के बाद अब हम लोग घन कोण की बात करें, यानी कुल मिला के समतली कोण चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। अब एक घन कोण की बात होती है, घन कोण किसे कहते हैं, कोई गोला ले लिया, क्या ले ले, गोला, गोले के किसी भी एक सूक्ष्म भाग द्वारा, गोले के किसी भी सूक्ष्म भाग के द्वारा, गोले के किसी भी सूक्ष्म भाग के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण को घन कोण कहते हैं और इसका मात्रक इसके रेडियन होता है। लिखा है ब्लैकबोर्ड पर, गोले के किसी सूक्ष्म खंड के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं इस स्मॉल आर त्रिज्या वाला कोई गोला है, इसके एक लघु क्षेत्रफल यानी सूक्ष्म खंड डीए के द्वारा यदि केंद्र पर जो अंतरित कोण है घन कोण जो डी ओमेगा हो तो डी ओमेगा बराबर आपका होगा क्या, डीए बटे आर स्क्वायर, जहां डी क्या है डी का मतलब अति सूक्ष्म होता है। जैसे अगर यह पूरा गोला है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होगा, लेकिन गोले के एक छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है इसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। अब आइए इस प्रकार आपने देखा कि डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। अब क्षण भर के लिए जरा सा सोचिए, अगर मेरा यह जो डी ए है, ये जो देख रहे हैं का मान यदि r स्क्वायर के बराबर हो जाए तो जब dA का मान r स्क्वायर के बराबर होगा उस तो निश्चित है कि d ओमेगा बराबर dA की जगह भी r स्क्वायर देखे तो ऐसे दशा में d ओमेगा का मान 1 आएगा, यानी तब घन कोण के इसके रेडियन। कभी-कभी पूछता है एग्जाम में एक इसके रेडियन की परिभाषा दीजिए, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, इस प्रकार हमें बता भी सकते हैं कि किसी भी गोले की त्रिज्या
त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो उसकी वैल्यू गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या हो बराबर। लिखा हुआ है ब्लैकबोर्ड पर गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। माने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण का मान एक स्टेरेडियन होता है। अब बात करते हैं संपूर्ण गोला, अगर पूरे गोले के द्वारा होगा तो यहां जो आप देख रहे हो ही ओमेगा ये इसी का समाकलन किया जाएगा, पूरे का मान निकालना होगा तब समाकलन। तो संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित धन कोण इसी का दोनों पक्षों का यह आपका समाकलन का संकेत हो गया, तो डी ओमेगा उसी में ओमेगा होगा। मैथ वाले जानते हैं, बायो वाले को 11 में समझाया गया था कि डी एक्स को हम एक्स लिखते हैं, संपूर्ण का मान तो उसी तरह डी ओमेगा ओमेगा होगा, क्योंकि किसी भी गोले की त्रिज्या निश्चित होगी तो निश्चित हो गया ये बाहर आ गया और ये संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। तो संपूर्ण क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान होता है वह 4πr² के बराबर होता है। बी बगल में लिखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बी ए बराबर 4πr² तो इस तरह से ओमेगा बराबर 4πr² यानी किसी भी गोले के संपूर्ण भाग के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वह 4 स्टेरेडियन होता है, जबकि किसी वृत्त के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है संपूर्ण वृत्त के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वह 2π रेडियन होता है, जबकि गोले के द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित घन कोण होता है वह 4π स्टेरेडियन होता है। अब यदि यह हमारा पृष्ठ तिरछा हो, तो जब पृष्ठ तिरछा हो तो उस दशा में डी ओमेगा का मान डी ए का थीटा बाई आर स्क्वायर, जैसे यह पृष्ठ रखा गया है इसकी दिशा इधर होगी। अब इसको सीधे करेंगे तो अगर इसके बीच का रिश्ता घात लेंगे तो डी ए का थीटा होगा, तो ऐसे दशा में डी ए के स्थान पर हम डी ए का थीटा लिखेंगे। आगे इस चैप्टर का नाम जो है अगर ये हेडिंग आएगा उसको प्रूफ किया जाएगा, उस प्रूफ में इसका यूज है। अब इसके बाद एक बात आती है वायतुक फ्लक्स, वायतुक फ्लक्स की बात आती है। ये वायतुक फ्लक्स है क्या? ये वायतुक फ्लक्स ये काल्पनिक है, बल रेखाओं जो होती है आपको बता दिया है पहले चैप्टर में कि बल रेखाएं होती है यानी कि किसी भी वायतुक क्षेत्र में खींची गई, माने कोई भी वायतुक क्षेत्र है तो निश्चित है कि जैसा कि आप वायतुक बल रेखाओं के ऊपर पढ़े हैं कि वायतुक बल रेखाएं क्या होती है, किसी भी वायतुक क्षेत्र में जो होता है वो खींची गई बल रेखा जो होती है वह काल्पनिक होती है, एक कल्पना मात्र होता है। जैसा कि आप देखते हो आसमान में बादल छाए रहते हैं, जब मौसम थोड़ा साफ होता है हम पेड़ चिड़िया चीता से बाघ ऐसे कल्पनाओं में डूब जाते हैं। आपको बहुत अधिक बुखार होता है तो आपको ऐसा आभास होता है कि आपके शरीर से उष्मा बहुत तेजी से बाहर की ओर निकल रही है, यही बुखार फ्लक्स है। पेट्रोल पंप पे जाते हो पेट्रोल भराने टंकी जब से जब आप टंकी में पेट्रोल भराते हो किरणे लहरें निकलती हुई आपको प्रतीत होती है, वही तो पेट्रोल फ्लक्स है। गर्मी के दिनों में पृथ्वी से जो है धरती जब गर्म होती है वहां से उष्मा निकलती है, वही तो पृथ्वी फ्लक्स होगा। तो उसी तरह कोई भी अगर वायु क्षेत्र है उस वायु क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ हम ले लें तो उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से परिबद्ध वायु फ्लक्स, यानी वायु फ्लक्स किसी भी वायु क्षेत्र में यानी वायु क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम उस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर डी फाई है तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए, यानी जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वह वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, जैसा आप देख रहे हो पृष्ठीय समाकलन के समान होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव का अदिश गुणनफल कह सकते हो, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल अवयव होता है उसके अदिश गुणन के बराबर होता है। और जहां यह जो थीटा है ई वेक्टर डी ए के बीच का बना कोण है और इसका माध्यम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तथा बीमा जो होती है यम यानी क्यूब पी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस वन होता है, इसका एक फिगर है। आज के लिए इतना ही दर्शक, इसको जूम के माध्यम से आप अच्छी तरह नोट्स करें, कल जो मेरा वीडियो हो जाएगा वह जो अध्याय का नाम है उससे जाएगा, माने कि अगला वीडियो हमारा होगा गास की प्रमेय या गास का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निश्चित है आप इसको अच्छी तरह से नोट्स करेंगे, नोट्स करने के बाद तैयार करेंगे। और साथ ही साथ मैं उन बंधुओं को जो जिनका आज 31 जुलाई 2021 को कक्षा 10 और 12 के उन सभी छात्रों को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन 3:30 बजे के आसपास, 3 बजे तो समय सारी है लेकिन 3 के बाद जल्द सीट हो रहा है, मैं उन सभी छात्र छात्राओं का जो 10 और 12 में इस बार एग्जाम को नहीं दे पाए, जैसा सरकार का नियम रहा सभी को प्रमोट कर दिया गया, जो भी प्रमोट हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के लिए डेढ़ सब धन्यवाद।